न्यूज मैं हूँ आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों। युवक कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में इंदौर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सोमवार को युवक कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर सिंहनाद में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज भी इंदौर में बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने आरएसएस की तुलना दीमक से की व बॉलर की। जैसे आरएसएस गुपचुप तरीके से नफरत फैलाने का काम करती है, भाजपा और संघ से जुड़े लोग धर्म को खतरे में बताकर राजनीतिक पदों को हासिल कर पैसा कमाते हैं। दिग्विजय से बोले कि हिंदू धर्म को न पहले कभी खतरा था, न कभी हिंदू धर्म खतरे में आएगा। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं जो भी बयान देता हूं, उन बयानों से कभी पीछे नहीं हटता हूं। वहीं कई मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। बताना चाहेंगे कि आगामी समय में होने वाले नगर निकाय और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जहां भाजपा प्रशिक्षण शिविर कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा भी युवक कांग्रेस के लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जहां शहर के बिचोली क्षेत्र में 3 दिवसीय सिंहनाद आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आयोजन का आगाज किया है। स्वामी विवेकानंद जयंती जाने के युवा दिवस, युवा कुंभ एवं प्रशिक्षण शिविर में दिग्विजय सिंह के बाद विक्रांत भूरिया, जीतू पटवारी, अरुण यादव, मृणाल पंत सहित आगामी 2 दिनों में भी कई युवक कांग्रेस के नेता इंदौर पहुंचेंगे और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्ट इंडिया न्यूज, इंदौर। जनता पार्टी सरकार ने उस जमानत खिलाफ अपील तक नहीं की, उनके दिमाग और खराब हो गए। उन 4 जो जमानत में आए हुए थे, उन्होंने एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण का लड़का जो कि बड़ा बढ़िया स्पोर्ट्समैन, एनसीसी का अच्छा कैडेट अभिषेक ज्योतिष, उसको घर जाकर रात को तलवार से, चाकुओं से उसको शरीर को गोद दिया और नाले में फेंक दिया। हत्या करने वाले कौन लोग? वही 4 लोग जिन लोगों की जमानत हो गई थी। क्या कसूर था उसका? उसका कसूर यह था, एक मित्र उसका था, ब्राह्मण लड़का, उसको बचाने के लिए उसको मार ठोक गए थे।